जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे वो कॉपीराइट क्लेम मिल जाएगा जी मुझे, ज़्यादा ये चलेगा सॉन्ग तो। अच्छा, यहाँ पर वैसे लाइफ तो ऐसी गुजरती है यादों के सहारे परदेसियों की। अच्छा ये जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तमाम दोस्तों को, तमाम परदेसियों को इसके मतलब अच्छी खबर है जी, आप भाइयों की तरफ से है। मैं यही बोलूँगा कि जब कल हमने वीडियो लगाई, मैं नहीं बोलता जी हमारी वीडियो देखकर ये फैसला बदला गया है, मैं नहीं बोलता जी हमारी रिक्वेस्ट से बदला गया है। यार हम तो एक इतनी सी चीज़ है अगर सीधी बात करूँ तो। बहरहाल आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया जी जिन्होंने नीचे कमेंट में मुझे मैसेज किया और रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट लिखकर भेजा और अपनी राय दी कि ये मामला ठीक नहीं है, इसको बदला जाए। जो कि कल मैंने वीडियो शेयर की थी, आपको पता है कि पाकिस्तान में जाने वाले तमाम जितने भी गैर मुल्की हैं वो अब अपना एक ही मोबाइल साथ लेकर जा सकेंगे, इसके अलावा जितने मोबाइल होंगे वो जब्त कर लिए जाएंगे या $1200 के अराउंड में, यानी कि चार हज़ार या 4500 रियाल के अराउंड में आप शॉपिंग करके लेकर जा सकते हैं। उसमें भी मुख्तलिफ चीज़ें होनी चाहिए, और वरना इससे ज़ायद की शॉपिंग होगी, कॉस्ट में आएगी, तो वो आपकी चीज़ें भी जब्त कर ली जाएंगी, उसके ऊपर कोई भी टैक्स जुर्माना वगैरह देकर आपको वो वापस नहीं मिलेंगी। ठीक है जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह इस फैसले के ऊपर एक फैसले को बदल दिया गया, यही बोल रहे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि FBR के चेयरमैन ने कस्टम के बैगेज रूल्स में मौजूदा तरमीम वापस लेने की हिदायत कर दी और फौरी तौर पर, ठीक है, एक से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन लाने पर पाबंदी की तजवीज़ पर अमल दरामद रोक दिया है। यानी कि इस चीज़ के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, आप एक से ज़्यादा मोबाइल लेकर जा सकते हैं पाकिस्तान में, लेकिन कितने लेकर जा सकते हैं, और जो आप 4000 या 4500 रियाल के अराउंड में, 4500 अराउंड में जो हमने शॉपिंग करनी थी उसके मतलब क्या मामला आए हैं वो भी आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पर इसके अलावा चेयरमैन FBR ने $1200 से ज़ायद की कमर्शियल एशिया पर पाबंदी की तजवीज़ वापस लेने की हिदायत कर दी और रूल्स में मौजूदा तरमीम वापस लेकर मुशावरत करके दोबारा पेश करने का कहा है। यानी कि इसको दोबारा पेश करने का कहा है। आप इसको बोल रहे हैं कि वो 1200 रियाल से इसको 1500 डॉलर से 1500 डॉलर में करते हैं, 1600 डॉलर में करते हैं, यानी कि 5000 रियाल की आप शॉपिंग कर सकते हैं, 6000 की कर सकते हैं, वो जब इसके मुताबिक डिटेल आएगी मैं आपको बता दूंगा। इस वक्त आप जा रहे हैं पाकिस्तान में अगर, तो आप शॉपिंग करके जा सकते हैं 4 से 5000 रियाल की, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसमें खुदारा ये चीज़ काबिल गौर रखिएगा कि आप कुछ मुख्तलिफ चीज़ें आपने रखी हो। हाँ, अगर आप कोई भी घर की जरूरत की चीज़ें हैं, हमारी मिसाल के तौर पर शैम्पू है, लोशन है या कुछ क्रीम वगैरह है, तो आप 4, 5, 6 पीस, 7 पीस रखते हैं, कोई मसला नहीं है, 10 पीस भी रख लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने शैम्पू ही रखे हुए हैं, साथ में खजूरी रखी हुई है, कल एक भाई ने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी, मैं आपको वो भी यहाँ पर ऐड कर दूँ। उसने बोला कि अगर 4000 रुपये का गोल्ड ही ले लें तो फिर क्या बनेगा, तो गोल्ड आप लेकर जा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, गोल्ड ले लें। अगर आपके पास 4000 रियाल का गोल्ड है, साथ में 2000 रियाल तक की शॉपिंग कर लें, नो टेंशन, इंशाल्लाह आपका मामला क्लियर होगा, निकल जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, ज़्यादा मत, फिर ज़्यादा को मत हाथ डालिएगा। बहरहाल इसके मतलब ये सामान के मतलब तो जैसे ही कुछ मामला आएंगे वो आपको क्लियर कर दूंगा मैं। रही बात भाई मोबाइल फ़ोन्स के मतलब, तो कल वाली वीडियो में बताया था कि एक मोबाइल फ़ोन मैंने भी आपको ये भी चीज़ कर दी थी कि मेरे पास 2 हज़ार परदेसी भाई यहाँ पर 1 से 2 मोबाइल रखता है। 100 मामला तो होते हैं भाई, आपको पता सॉफ्टवेयर वगैरह के मोबाइल हैक ना हो जाए, बैंकिंग का निज़ाम है, ये है वो है। तो अच्छा, बहरहाल आज की तरमीम में ये कहा गया है कि ये एक मोबाइल की जो एक मोबाइल लेकर जा सकते हैं, ज़्यादा का जब्त वाला मामला था वो ख़त्म कर दिया गया है, आप एक से ज़्यादा मोबाइल लेकर जा सकते हैं, लेकिन कितने लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जी, ज़राए का कहना है कि मौजूदा रूल्स के तहत बैरून मुल्क से आने वालों को 2 मोबाइल फ़ोन लाने की इजाज़त बरकरार रखी जाएगी। यानी कि आप 1 से 2 मोबाइल लेकर जा सकते हैं बस। अभी आप ऐसा मत कीजिएगा किसी भाई के लिए, किसी और चीज और के लिए वो मोबाइल में अपने बैग में रख रहे हैं और वो लेकर जा रहे हैं। हाँ, एक आप अपने इस्तेमाल शुदा लेकर जा रहे हैं, गुड है, एक आप न्यू डब्बा पैक भी ले लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 2 इस्तेमाल शुदा हैं आपके, तो वो दोनों ही लेकर जाइएगा, 2 से मोबाइल फिर भाई ज़्यादा मत कीजिएगा। चलो कुछ तो बेहतर हुआ, मैं यही मानूंगा। तमाम परदेसी भाई, मैं आपको यही कहूँगा, मुझे पता है कि जो चीज़ हमें यहाँ से ब्रांडेड मिल जाएगी वो पाकिस्तान से ब्रांडेड इसके लेवल के हिसाब से मेरे नज़दीक नहीं मिलेगी, बाकी मिलती होंगी जी। मैं इसके मतलब हो सकता है गलत हूँ, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, बहरहाल ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ मैं कि अगर आप 2 मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो दोनों ले लीजिएगा, एक अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एक अपनी फैमिली के जिसके भी लिए आपने लेना चाहे, अपने लिए लेना है, वो बॉक्स पैक न्यू डब्बा पैक लेकर भी आप साथ में रख सकते हैं, उसमें कोई दूसरी मुश्किल नहीं बनेगी। और पाकिस्तान में जाहिर सी बात है, जाकर हमने PTA अप्रूव्ड करवाना है तभी वो उसमें सिम चलेगी ना, वरना वो तो फिर हमारा गूंगा मोबाइल, यही बोल रहे हैं आप, यही मामला होगा।
तो ये अभी अलहमदुलिल्लाह फैसले के ऊपर अहमद दरामद हो चुका है। तमाम प्रदेशी भाइयों को शुक्रिया जी, और आज की वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय भी जरूर दीजिएगा।